बहुत स्वागत है जी सारे का। मैं हाँ सुरेंद्र डल्ला। बड़ा इंपॉर्टेंट शो आज करांगे यूके स्टडी वीज़ा ना रिलेटेड। और सुकांत त्रिवेदी जी त्रिवेदी ओवरसीज़ तो मेरे नाल खास तौर पर मौजूद ने। त्रिवेदी साहब बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डल्ला जी और सारे दर्शकों का बहुत प्यार भरिया स्वागत है जी। त्रिवेदी साहब, पिछले कुछ दिनों तो लगातार मैं ये चर्चे सुन रहा हाँ कि यूके दे विच बहुत वड्डे बदलाव आ रहे ने। एक तो मैं जानना चाहूँगा जिहड़े बदलाव आ रहे ने ये किस नेचर दे ने, किस तरह के बदलाव ने, की कंप्लीट रूल्स ने जिहड़े यूके दे स्टडी वीज़ा देन दे मुकम्मल तौर पर बदल जाएंगे, स्पाउस वीज़ा के रूल भी की बदल जाएंगे, और इस तो अलावा जिहड़े अगले इनटेक्स ने अक्टूबर इनटेक भी है, नवंबर इनटेक भी है, कि वह बिल्कुल नवे रूल्स के नाल ही स्टूडेंट उत्थे जा सकणगे? जिहड़े स्टूडेंट ऑलरेडी जिन्हां कोले ऑफर लैटर्स आ गई उन्हां दे उपर किस तरह का असर पवेगा? सो इस तरीके के सारे विषय ने जिहड़े खास तौर पर मैं तुहाडे नाल डिस्कस करूँगा। हालांकि सक्सैस रेट यूके का बहुत ज़्यादा है और बहुत तेज़ी के नाल यूके दे वीज़े आ रहे हैं। ये भी मैं जानना चाहूँगा कि एड्डी स्पीड ते यूके वीज़े क्यों दे रहे हैं? जे समराइज़ करिए डल्ला जी, जो ये चेंजेस है आई विल से वन सेंटेंस ओनली जिस सारी गल क्लीयर हो जाएगी। यूके ने अपना सिस्टम स्ट्रेंथन किया, स्ट्रोंग किया अपने सिस्टम नू, इमीग्रेशन दे स्टूडेंट वीज़ाज़ दे सिस्टम नू स्ट्रोंग किया। ये चेंजेस उन्हों स्ट्रोंग करन दी कड़ी दे विच एक स्टेप है। मेन चेंजेस की है वो बारे बहुत सारिया गलत फहमिया, बहुत सारा दुष्प्रचार, जिन्हों जिनी समझ आ उन्नी गल कर रहा। एंड माड़ी गल यह है भी कंप्लीट गल किसी भी थान तो नहीं आ रही है। एजेंट्स ने, कंसल्टेंट्स ने यह कहना शुरू करता भी यूके बिना इट्स बंद हो रहा, लास्ट चांस गड्डी निकल जानी है, जिहड़ा रह गया हुणे कर लो। इस तरह का कुछ भी नहीं हैगा। यूके बिना एड्स तो अगे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी है। जिहड़े मेरे दोस्त थोड़ा जिहा जिन्हां दे कैस आ गए ने, जो अपनी कैस देखणगे, कैस दे उपर यूनिवर्सिटी वालों ये लिखा हुंदा भी असीं इस स्टूडेंट नूं जज कर लिया, इहदी इंग्लिश स्किल्स देख लिया ने, एंड दैट्स फाइन, असीं समझदे इहदी इंग्लिश स्किल बी टू लैवल दे बराबर हैगियां। वो ये नहीं लिखते भी स्किल्स देखिया किस तरह ने, स्किल देखने दे की तरीके हो सकते हैं, स्किल देखिया जा सकदियां ने परसनल इंटरव्यू तो, स्किल्स देखिया जा सकते इंग्लिश दियाँ, इंग्लिश के मार्क्स चो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन थोड़ा इंग्लिश रहा, तुसी आइल्स किया, तुसी पीटी किया, तुसी डुओलिंगो किया या यूके वी आई आइल्स किया, इन्हां चो कुछ भी टोएफल किया, कुछ भी किया, वो चीज़ के बेस के उत्ते कोई भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की इंग्लिश स्किल्स नूं देखदी है ते अगे उहदी एडमिशन फाइनलाइज करदी है। पहला जो अक्टूबर 5 तक जो अज तक कैसेज इशू हो रही ने, यह लिखना कंपलसरी नहीं सी, किस तरह देखिया, हुण यह लिखना कंपलसरी हो जाएगा भी यूनिवर्सिटी ने की देख के किस तरह जज किया, की प्रोसैस रहा इंग्लिश नूं, किवें की प्रोसैस रहा इंग्लिश नूं जज करन दा, वह चीज़ कैस के उपर लिखनी पेगी। और 5 अक्टूबर तो फॉर्म्स भी चेंज होंगे, यूके के जिहड़े वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म्स ने वो चेंज होंगे। सो 4 अक्टूबर रात तक जिहड़ियां फाइलां लगनगियां वो पुराने फॉर्म्स के उपर पुराने रूल्स से लगनगियां, 5 तो जिहड़ियां फाइल लगनगियां वो नवे फॉर्म्स से लगनगियां। अच्छा, जिहड़ी 5 अक्टूबर नूं फाइल तुसीं सबमिट करनी है, किसी की अप्लाई करनी है जी, वो एक नवा फॉर्म है, वो दे फॉर्म चेंज हो रहा है जी, फॉर्म क्योंकि आ चीज़ा फॉर्म दे विच भी आन गया, जो कास्ट चेंजेस आ रही ने वो दे प्रूफ फॉर्म दे विच भी मंगे जा रहे हैं। अगर हुण यूनिवर्सिटीज खुद लैंग्वेज चैक जज करनगियां किसी स्टूडेंट की, तो यह मनिया जाए कि विदाउट आइलट्स पॉसिबल नहीं है? यही मैं दस के अटेंड ला जी, विदाउट आइलट्स पॉसिबल रहेगा। अगे भी यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटीज इंटरव्यूज कर रही ने स्टूडेंट्स दियाँ, कुछ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट देख दियाँ ने, कुछ देख दियाँ ने इंग्लिश नंबर 70% है ता दे देंगे, कुछ आइलट्स भी देख दियाँ ने। सो ये चीज़ कैश लिखनी पेगी भी असं स्टूडेंट के नंबर देखे से 70% नंबर इंग्लिश चो ने तो आइलट्स वेवर दिता। हुण उहदे च की नुकसान हो सकता, किहदा फायदा तो किहदा नुकसान, जिहड़े तो साडे वर्गा सीधा काम कर रहे हैं भी ठीक है, जो है सामने है कोई फर्क नहीं पैंदा। स्टूडेंट्स नूं भी मैं हमेशा कहना भी आइल्स प्रमोट करना, आइल्स जरूर करो, पीटी कर लो, डुओलिंगो कर लो, बिना आइल्स तो घट कोशिश करो, बिकॉज काफ़ी सारिया कॉम्प्लीकेशनस हो जाते हैं। हुण ऐड बहुत सारे आते हैं 35% नंबर नाल यूके जाओ, तुसी हिंदी मीडियम पढ़े तो भी चले जाओ, उन्हां बंदियां नूं फर्क पेगा, बिकॉज वो की करते सीगे तुहाडे सर्टिफिकेट नाल छेड़ाखानी करके उहदे नंबर वधा के ते नकली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट बना के यूनिवर्सिटीज़ नूं भेज देंदे सीगे, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ कोई तरीका नहीं उहनूं वेरीफाई करन दा, वह भेज के उहदे बेस ते कैस आ जांदा सीगा अंबैसी दे विच, फिर असली सर्टिफिकेट लग जांदे सीगे। हुण जो सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी नूं भेजे गए हैं सेम सर्टिफिकेट
अंबैसी च जाणगे और अंबैसी चो जे कोई सर्टिफिकेट झूठा पाया जाता उस स्टूडेंट ते 5 साल का बैन लगता नाल यूनिवर्सिटी उसकी फीस भी नहीं मोड़ती सो डबल नुकसान होता 5 साल तुम अपनी फाइल नहीं दोबारा अप्लाई कर सकते हो और फीस वापस नहीं भी नुकसान हो गया सो इस चीज सिस्टम स्ट्रोंग होया भी नकली डॉक्यूमेंट्स जेडे इंग्लिश दे बेस दे उत्ते धोखा हो रहा सीगा वो बंद हो जाएगा जी बिल्कुल सो इंग्लिश दे नकली डॉक्यूमेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी सी उतों दी वख-वख यूनिवर्सिटीज़ सो स्टूडेंट्स का ये फायदा होएगा सक्सैस रेट के उत्ते किसी तरह का कोई असर पैण की संभावना मैं लगता जी सक्सैस रेट होर वधेगा यूके दे वीज़ाज बहुत वधिया तरीके नाल ऑलरेडी आ रहे हैं एंड कमिंग इनटेक्स विल बी ईवन बिगर बहुत वधिया रहन वालियां हैगियां हाँ जिहड़े बिना आइल्स वाले रहनगे जिहड़े मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस ते उस ते जा रहे हैं इंग्लिश दी परसेंटेज दे बेस ते जा रहे हैं उन्हां दी इंटरव्यू होने के चांसिस वधनगे सो दोस्तों तुसी नवंबर जनवरी इनटेक जाना हैगा कितना कितने तैयारी करके आइल्स पीटीई या डुओलिंगो कर लो बेहतर रहोगे तुहाडा वीज़ाज जल्दी आएंगे इंटरव्यू के चांसिस बहुत घट जाएंगे वीज़ा जरूर लगनगे बिना आइल्स तो पर इंटरव्यू के चांसिस बिना आइल्स तो वधनगे बिल्कुल ठीक है सो नवंबर और जनवरी इनटेक्स के लिए इस वक्त पॉसिबिलिटीज़ कितनी ने क्योंकि साढ़े नवे स्टूडेंट ने जो 10+2 वाले बहुत सारे स्टूडेंट हाले भी आइल्स के अपीयर नहीं हुए देखो आइल्स का एग्जाम ऑलरेडी पिछले 2-3 महीने तो हो रहा है जी पीटी का एग्जाम हफ्ते 2-3 बारी हो रहा है अगर आइल्स नहीं होती तो ड्यूलिंगो तो ड्यूलिंगो कर लो पीटी कर लो ड्यूलिंगो ऑलमोस्ट यूके दी तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही ने फॉर्चुनेटली कह लीजिए जी ड्यूलिंगो घर बैठे दे सकते हो सी सो इट्स थिक एंड फास्ट वधिया उन्हां रिजल्ट्स आ रहे हैं ड्यूलिंगो के बेस के उत्ते अंबैसी तो भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं ऑलरेडी वी हैव गॉट सम वीज़ास वाया ड्यूलिंगो थोड़ा जहा लोगों का रुझान ड्यूलिंगो तो घट गया स्टूडेंट्स का क्योंकि कैनेडा ने मना कर दिता पर यूके दे वास्ते ड्यूलिंगो एक बड़ा वधिया टेस्ट हैगा ड्यूलिंगो देन लगे थोड़ा ध्यान रखना पैंदा भी तुसी प्रॉपर तरीके नाल दिओ नहीं तो वह टेस्ट रिपीट करना पै जांदा सो बिना आइल्स करन नालों कोई ना कोई टेस्ट नाल लगा के करोगे इंटरव्यू के चांसिस बहुत घटनगे अदरवाइज भी तुहानूं दसां डला जी असी 100% सक्सैस नाल सितंबर अक्टूबर इनटेक चल रहे हैं यूके की 100% वीज़ाज आ रहे हैं एक भी ऐसा केस नहीं जिस कुछ ना कुछ गलत होया हुए एवरीथिंग इज़ फाइन दे हैव बीन फ्यू इंटरव्यूज़ ऑलसो और इंटरव्यूज़ करके भी बच्चों ने वीज़ाज ले ने इंटरव्यूज़ अंबैसी ईमेल कर दी है स्टूडेंट फिर इंटरव्यू दिता नवे सिस्टम के अंबैसी को राइट होगा कभी भी तुम्हें कॉल करके इंटरव्यू कर सकते हैं जी बिल्कुल ठीक है कभी भी वो नवे सिस्टम से इंटरव्यू कर सकते जी सो हूँ मैं ये भी जानना चाहूँगा स्पाउस वीज़ा नूं लैके किसी तरह का बदलाव बिल्कुल नहीं जी स्पाउस वीज़ा ले यूके इज़ द मोस्ट फ्रेंडलीएसट कंट्री राइट नाउ स्पाउस बैचलर्स तो बाद तुसी अपने स्पाउस नूं पीजी कोर्स ले प्री मास्टर्स कोर्स ले यूके नाल लैके जा सकते हो तुहाडे स्पाउस नूं फुल टाइम वर्किंग राइट्स मिलनगे और यूके च काम दी भी इस वेले कोई कमी नहीं हैगी है पार्ट टाइम जॉब्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी स्पाउस फुल टाइम कर सकदा सो उहनां लई भी जॉब्स की कोई कमी नहीं है और जे लंडन तो बाद असीं छोटे शहरां वल चल जांदे आ ब्रैडफोर्ड हैगा मैनचेस्टर हैगा बर्मिंगम है लीड्स है इन्हां च घरां दे किराए भी बहुत घट ने सो लिविंग एक्सपेंसिस भी काफ़ी घट ने जी इन्हां शहरां दे विच चलो थैंक यू सो मच जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल तुसीं कीती है सो सारे स्टूडेंट्स जरूर त्रिवेदी साहब दीआं सारीआं गल्लां नूं बहुत ध्यान दे नाल सुनन समझन कोई क्लैरिफिकेशन चाहीदी या कोई क्लैरिटी चाहीदी है तो जरूर त्रिवेदी साहब का नंबर इस वक्त स्क्रीन पर है इस नंबर के उत्ते तुसीं संपर्क कर सकते थैंक यू जी थैंक यू सो मच त्रिवेदी जी